बहुत ही बुरी खबर आई है। पाकिस्तान फुटबॉल को सस्पेंशन का सामना करना पड़ रहा है और तारीख में यह तीसरी मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की सस्पेंशन जो है वो फीफा ने मुअत्तल कर दी। इससे पहले 94 में भी ऐसा हो चुका है, 2017 में भी ऐसा हुआ और अब तीसरी मरतबा ऐसा हुआ। फुटबॉल ऑर्गेनाइजर सभी बददिली का शिकार हैं क्योंकि तीसरी मरतबा पाकिस्तान पर पाबंदी लगी है। मैं अभी सद्दाम का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने भी ये कहा कि वो बहुत मायूस हैं। इसके अलावा दीगर फुटबॉलर भी काफ़ी मायूस हैं, ईसा भी काफ़ी मायूस हैं। चले, उन्हें मईशत का नहीं पता, उन्हें महंगाई का नहीं पता, उन्हें गवर्नेंस का नहीं पता, लेकिन कम से कम स्पोर्ट्स का तो पता है ना, जो सारी उम्र उन्होंने काम किया है। बाकी काम तो उन्होंने नहीं किए जिंदगी में, इसलिए उनको बाकी कामों का नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना उन्हें कि स्पोर्ट्स बॉडीज की क्या अहमियत है और उन पाकिस्तान की इंटरनेशनली स्पोर्ट्स बॉडीज से क्या अलाइनमेंट है। तो अगर इस पर भी ये हुकूमत की कारकर्दगी जीरो है और फीफा ने हमें सस्पेंड कर दिया है तो फिर हम किस तरफ देखें? एक इस तरफ भी देख सकते थे कि खान साहब के आने से चलो पाकिस्तान के खेल बेहतर हो जाएंगे, क्रिकेट बेहतर हो जाएगी, हॉकी बेहतर हो जाएगी, फुटबॉल बेहतर हो जाएगी, एक स्पोर्ट्समैन वजीर आजम बन गया, चलो अगली दफा किसी मईशतदान को बना लेंगे, फिर मईशत ठीक कर लेंगे, लेकिन इन्होंने तो स्पोर्ट्स की भी तबाही कर दी है। हमने हॉकी का बड़ा गर्क कर दिया, क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं हम उसको तबाह करने के लिए। फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था फीफा ने अहम फैसला लेते हुए बुधवार को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन PFF को सस्पेंड कर दिया है। इन्होंने यह फैसला तीसरे वर्ग के दखल के कारण लिया है। इसके अलावा फीफा ने चार्ट फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित करने का फैसला किया गया है। PFF के नाम से पहचाने जाने वाले पाकिस्तान सॉकर महासंघ को तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण 4 साल में दूसरी बार निलंबित किया गया, जब पिछले महीने अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने संस्था के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। फीफा ने अपने बयान में कहा कि यह फैसला हाल ही में PFF हेडक्वार्टर पर कब्जे के बाद अमान्य चुनावों के कारण किया गया है। उन्होंने फीफा द्वारा बनाई गई खास कमेटी को हटा दिया जो हारून मालिक की अध्यक्षता में काम कर रही थी। किसी तीसरे वर्ग की इस तरह दखलअंदाजी नियमों के खिलाफ है। हम यह फैसला करने के लिए मजबूर हैं। ये प्रदर्शनकारी अधिकारियों के समूह के बीच सालों की आंतरिक लड़ाई के बाद पाकिस्तान में खेल के संचालन के लिए फीफा द्वारा नियुक्त नॉर्मलाइजेशन समिति का विरोध कर रहे थे। PFF मुख्यालय पर कब्जा के कारण पहले ही नेशनल महिला चैंपियनशिप में खलल पड़ गया है। चाड को उस समय निलंबित किया गया जब इस अफ्रीकी देश की सरकार ने राष्ट्रीय सॉकर महासंघ को भंग करके खेल के संचालन के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रयास किया। फीफा ने कहा है कि वे निलंबन तभी हटाएंगे जब सरकार अपने फैसले को रद्द करेगी और फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष को दोबारा अधिकार सौंपेगी।